हेलो दोस्तों, क्रिकेट चैम्स की इस न्यू जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंजाब वर्सेस बैंगलोर का मैच कवर करने वाले हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टिकल फर्स्ट मैच में अच्छे किया, अच्छा डेब्यू किया इसने। उसके बाद प्रिंस, कोहली, डिविलियर्स, दुबे, फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, सैनी, उमेश चहल और डेल स्टेन, ये इनका प्रॉबेबल 11 रहेगा। इसमें कुछ भी चेंजेस मेरे को नहीं लगते कि आर सी बी करना चाहेगा। इसमें पार्टिकल ने 56 किया, बेंच ने 29 किया, 40 किया, कोहली ने 50 किया, 51 किया डिविलियर्स ने, शिवम दुबे ने 7 रन करके 2 विकेट लिए, फिलिप 1 रन, वाशिंगटन सुंदर और सैनी ने 2 विकेट लिए। उसके बाद चहल ने 3 विकेट लिया और डेल स्टेन को 1 विकेट मिला लास्ट में। तो यही चेंजेस, यही टीम रहेगा इनका, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ आर सी बी के कारण से मेरे को लगता है। पंजाब में चांसेस चेंजेस के देखते हैं, अभी लाइन आउट के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ तो कुछ आई नहीं है अभी चेंजेस का। तो इसमें पंजाब में केएल राहुल ओपन करेगा अग्रवाल के साथ। केएल राहुल वो एक मेन प्लेयर है इसमें से, केएल राहुल। उसके बाद पूरन, मैक्सवेल, मैक्सवेल, केएल राहुल, उसके बाद समी। तो इसमें से ये 4 प्लेयर मेरे को ठीक ठाक लगे थे। कॉटरल भी एक मेन बॉलर है। जॉर्डन का नहीं लूँगा कि लास्ट मैच में बहुत एक्सपेंसिव साबित रहा था, और मुझे लगता है जॉर्डन इस मैच में चेंजेस हो सकता है। अगर जॉर्डन नहीं खेल, जॉर्डन का अगर रिप्लेस कर दे तो जिमी नीशम आ सकता है। तो जिमी नीशम आएगा तो बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग लाइनअप में भी इनके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर चेंजेस होते हैं तो। ऐसा कुछ हो सकता है। इधर से ये चहल हो गया, सैनी हो गया, डिविलियर्स, फिंच, 4 इधर से और ये 7 8 9 प्लेयर तो आपकी टीम में चाहिए। बाकी फिर डिफरेंशियल पिक रहेगा कोई भी, अग्रवाल हो गया, नायर हो गया, इसमें से फिलिप्स हो गया। फिलिप्स ग्रैंडली का पिक है, ध्यान में रखना। पार्टिकल लास्ट मैच में चला, पर इस मैच में चलेगा नहीं चलेगा कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी इधर इसको फेस करना पड़ेगा शमी को, कॉटरल को। तो चलिए टीम बनाने चलते हैं। ये तो प्राइम प्लेयर है सभी, मतलब कुछ एक दो और भी खेले तो भी तो 10-15 रन तो निकाल के 10-15 पॉइंट देने वाला है कोई ना कोई बंदा। बॉलर तो एक ना एक विकेट लेगा। तो चलिए टीम बनाने चलते हैं। इसके लिए ग्रैंड लीग ओपन किया, एक टीम बना के रखा है मैंने। ये देखो, क्रेडिट का बहुत इश्यू आ रहा है तो मैंने ऐसा टीम बनाया है इसका, क्योंकि इसको नहीं ले पा रहे अपन। निकोलस पुरन लिया है और केएल राहुल लिया है, उसके बाद मयंक अग्रवाल, डिविलियर्स, फिंच, शुभम दुबे, मैक्सवेल और समी, युद्धन चहल, सैनी और कॉटरल। इसमें लास्ट मैच में मैक्सवेल ने कुछ करा नहीं, पूरन खेल रहा है, इसमें 2 ही प्लेयर खेल रहे अपने। एक मैक्सवेल और पूरन, इस मैच में अच्छा करेगा दोनों। कोहली को तो 80% बंदे लोग रखेंगे टीम में। हो सकता है पिंच को ड्रॉप करे, डिविलियर्स को ड्रॉप नहीं करेंगे, पिंच को ड्रॉप करके इसको लेंगे। अग्रवाल को अपन ड्रॉप भी करते फिर भी कोहली का कोई चांसेस नहीं बनता। अगर अग्रवाल को अपन करेंगे कि ना ड्रॉप, देखो अग्रवाल को देखते कौन कौन किस किस को ड्रॉप कर। देखो शिवम दुबे को ड्रॉप किया, कोहली को लिया, तो साथ ही क्रेडिट बच रहा। इधर से पूरन को ये किया तो फिर और इशू आ जाता है। पर्टिकल भी 8.5 क्रेडिट का आ रहा है पर्टिकल, तो एक ऐसा टीम हो जाएगा इनका। ये
अपने को आर किंग विलन का मनदीप सिंह भी आ रहा है, ये सरफराज खान के साथ भी जा सकते हो। इनके बैटिंग ही नहीं आता फिर। या फिर शुभम दुबे, ऐसा एक टीम बन सकता है। अभी 0 क्रेडिट बचा है, 8 क्रेडिट में पडिक्कल आ रहा है, दूसरा कोई प्लेयर नहीं आएगा 8 क्रेडिट में। अग्रवाल भी 9 क्रेडिट का बंदा है। ये ठीक ठाक टीम लग रही है मुझे फिलहाल के लिए तो। खाली ये तो डेमो टीम है, बाकी देखते हैं लाइन आउट के बाद चेंजेस करके। मैं टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे जाके क्रिकेट चैम्प्स, क्रिकेट चैम्प्स टाइप करने का, ये रहा चैनल अपना, लाल लोगो है। इस पर ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हिट टू हिट का जो कुछ भी अपडेट रहेगा, जो भी लाइन आउट के बाद जो सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से टीम प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, और आज के मैच के लिए सबको गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।